सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ प्लेट वाली पैंट की कटिंग किस तरह से काटते हैं। पहले आपको इसको हम कपड़ा लेंगे एक पीस और इसको हम देखेंगे कि हमारा सीधा और उल्टा किस तरह से होता कहाँ से है। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारी पट्टी जो लिखी हुई है इसको हम देखेंगे ये हमारा उल्टा है या सीधा। इसमें दिख रहा है जिस तरफ से सीधा अक्षर से लिखा हुआ होगा उस तरह से ये हमारा सीधा होगा और जिस तरफ ये पीली वाली पट्टी है ये हमारी उल्टी साइड होगी, इसमें उल्टे साइड से लिखा होगा। इसको हम अच्छे से बिठा देंगे। ये हमने अच्छे से बिठा लिया है। अब इसको अच्छे से मिलाकर अब इस पैंट की लंबाई 38.5 इंच और इसकी कमर 33.5, जांग इसका घुटना 16, इसकी मोहरी। अब हम इसकी पहले हम इसमें एक निशान लगाएंगे जो हमारी सीधी स्केल से लगेगा। अब इस पे हम 1 इंच बाहर की साइड निकाल देंगे और इसकी लंबाई 38.5 2 इंच इसमें मोरी के लिए होगा। अब इसकी हम लटक निकालेंगे। लटक हमारी निकलती है जांग के हिसाब से या फिर इसके हिप के हिसाब से हम लटक निकाल सकते हैं। तो इसकी जांग 25.5, तो हम 1/2 इंच इसमें और एक्स्ट्रा कर देंगे जो कि इसकी लटक निकल आएगी। इसमें से हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे, ये हमारा 10.5 आया हुआ है। अब इसकी बीच की दूरी जो हमारी लटक से निकली हुई है जांग का निशान से और घुटने तक इसको हम आधा कर देंगे, ये हमारा घुटना निकल आएगा। हमारा आया 27.5 का आधा करेंगे तो वो हमारा 13.5, इसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे तो जो हमारा निकलेगा 11.5। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। ये हम प्लेट वाली पैंट का नाप बता रहे हैं और कटिंग भी इसकी करके बताएंगे। सेम आपको बिल्कुल सीधा इस मार्क लगाना है। हम इसको दो तरह का से भी काट सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल एक ही तरीका से बता रहा हूँ। हमारी जांग 25.5, ये हमने 25 पे मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हम जो हमारी पीली पट्टी इससे हम 1.5 इंच अंदर की साइड लगाएंगे जो हमारी चैन लिख लेगी और यहाँ भी हम 1.5 इंच देंगे। अब इसकी कमर 33.5 और इसमें हम 2 इंच प्लेट के लिए देंगे और 1 इंच सिलाई के लिए। हमारी कमर 33.5 तो हम 9 से 8 से 4 देर भाग लगाएंगे तो 8×32 और इसमें 1/2 इंच 2 सूत और मिला देंगे जो हमारा हो जाएगा 33। अब इसमें 2 इंच प्लेट के लिए देंगे और 1 इंच इसमें सिलाई के लिए। अब इसका घुटना निकालेंगे तो घुटना निकालेंगे इसकी जांग से जो हमारा आसन आया हुआ था ये हमारा निशान 20 सेंटर में लगा लेना है। अब इसको इस जांग को यहाँ से हम 4 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इधर निकल के आया था 6.25
सवा छः और सवा छः यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब घुटना हमारा 21 था तो हम उसका आधा करेंगे, इस 21 का हमारा होगा सवा दस, तो सवा दस ये हमारा इधर आ रहा है, इसको डबल कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 5 इंच एक सूट पर हम निशान लगाएंगे, ये हमारा घुटना निकला है। अब हम बताएंगे इसको इसका नेचे की मोहरी, तो नेचे की मोहरी हमारी 16 है तो इसमें हम 16 को आधा करेंगे 8, 8 का आधा कर देंगे 4 और 4 यहाँ पे 8 दून 16। अब इस स्केल से हम इसको अच्छी तरीके से निशान लगाएंगे, सेम जहाँ से हम निशान यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं यही नाप हम यहाँ पर भी रख देंगे। इसी तरह से उठाकर अब इसको एक वाली स्केल से इसको अच्छे से मिला देना है। और इसमें हम बिल्कुल सीधी स्केल से निशान लगाएंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा मार्क लगा देना है। अब इसको बिल्कुल जो मार्क हमने 1.5 इंच का यहाँ से दिया है 1.5 इंच यहाँ से भी ऊपर साइड उठाएंगे और जो हमारा पेट देता है वो 1.25 इंच और इससे हम मिला देंगे इस वाले निशान से। प्लेट डालेंगे हम 1.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे देंगे और 1 इंच की यहाँ से ये हमारी प्लेट का निशान लग चुका है। सेम हम इसको यहाँ तक मिलाएंगे, इसको हम बिल्कुल सीधा मार्क लगाएंगे और इस वाले हिस्से को इस वाली प्लेट से मिला देंगे, ये हमारी प्लेट। अब हम बताएंगे इसमें पॉकेट का निशान, तो पॉकेट हम 2 पे भी लगा सकते हैं 1.5 पे भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ 1.5 पे ही लगाता हूँ। अब यहाँ से हम 6.5 ये हमने पॉकेट का निशान अब कमर इसकी 35.5 तो यहाँ से हम 35.5 लिख लेंगे। इसका घुटना 16 अब हम इसकी अच्छी तरीका से कटिंग करेंगे। सेम हमको इसकी निशान पर ही कटिंग करना है। पैक की कटिंग करूंगा,
सेम इसमें हल्के हल्के कुटके लगा देना है जो हमारी यहाँ से सिलाई होगी, और ये हमारे प्लेट के निशान होंगे। अब हम इसका बैक हिस्सा को नाप कर इसकी कटिंग करेंगे। सेम हमने इसको इसके ऊपर अच्छे से इस पे बिठा लिया है। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर साइड उठाएंगे। इस निशान से हम अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा जो हम सिलाई करेंगे उसमें लग जाएगा। अब कमर हमारे 35.5 तो हम 8 और 1 सूत, ये हमारा कमर का निशान लग चुका है। अब इसमें हम प्लेट का 1 इंच और 2.5 इंच इसमें दोनों भाई में 1.5 इंच इसमें मार्जिन देंगे। फोन में 3 इंच इसका बहुत फोटो कहाँ भी आधार कार्ड या तो मैं उसे काम करूँगा। अब इसको अच्छे से मिला देना है। अब इस निशान को हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस वाले मार्क को इससे मिला लेंगे। यहाँ से हम हल्की सी गुलाई देंगे। ये हमने बैक में इसके निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करके बताएंगे बैक की। बैक पूरी काट ली है। अच्छा जी, अब इसमें हम निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई का होगा। अच्छा, और ये यहाँ से हमारी प्लेट डलेगी और यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। अब इसमें हम छोटे छोटे कुटके लगा देंगे जो हमारा इसका धागा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे, ये मैंने इसमें अच्छे से कुटके लगा लिए हैं जो कि हमारी सिलाई का ये हमारा मार्क, ये मेरे दोनों फ्रंट बैक और बैक दोनों कट चुके हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।